नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण है। आप देख रहे हैं कृष्ण ऑल टाइप ऑल वीडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, वीडियो पर बने रहे, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मेरा वीडियो पहली बार देख रहे थे, मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। मैं राजा सुहेल देव पासी, वो कहाँ के राजा थे और वो उनका लड़ाई में कितना योगदान था, मैं पूरी इस विषय में चर्चा करने वाला हूँ। तो सो गाइस, वीडियो को स्किप नहीं करना है, फुल वीडियो वॉच करना है। सोलह फरवरी महाराजा सुहेल पासी जी की जयंती है। सभी लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि उनके वीरता के चर्चे करें। महाराजा सुहेल देव पासी की वीरता के चर्चे इस प्रकार से है। 1001 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारतवर्ष को लूटने की दृष्टि से 17 बार आक्रमण किया तथा मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ के अति सामिद्र मंदिरों को लूटने में सफल रहा। सोमनाथ की लड़ाई में उसके साथ उसके भांजे सैयद सरार गादी गाजी ने भी भाग लिया था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में इस्लाम का विस्तार करने की जिम्मेदारी महमूद ने अपने कंधों पर ले ली, लेकिन 10 जून 1034 ईस्वी पूर्व को बहराइच की लड़ाई में वहीं के शासक महाराजा सुहेल देव पासी के हाथों वह डेढ़ लाख जिहादी सेना के साथ मारा गया। इस्लाम सेना इस पराजय के बाद भारत सूरवीरों को ऐसा आतंक विश्व में व्याप्त हो गया। उसके बाद आने वाले 150 वर्षों तक किसी भी आक्रमणकारी को भारतवर्ष पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार श्रावस्ती नरेश राजा प्रसन्नजीत ने बहराइच राज्य की स्थापना की। इन्हीं महाराजा प्रसन्नजीत को माघ माह की बसंत पंचमी के दिन 990 ईस्वी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम महाराजा सुहेल देव रखा गया। अवध गजेटियर के अनुसार इनका शासनकाल 1027 ईस्वी पूर्व से 1077 ईस्वी पूर्व तक स्वीकार किया गया है। वे जात के पासी थे। महाराजा सुहेल देव का साम्राज्य पूर्व में गोरखपुर तथा पश्चिम सीतापुर तथा फैला हुआ था। गोंडाल, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, लखीमपुर इस राज्य की सहयोगी पासी राज करते थे, जिनकी संख्या 21 थी। पहली जंग लखनऊ की धरती पर कदम रखते ही लखनऊ कसमंडी के राज पासी कंस के लड़नी पड़ी। इस भयंकर युद्ध में पासी राजा कंस ने गाजी के दो भतीजे सैयद हातिम और सैयद खातिम को युद्ध में परास्त कर दिया, उसे गरम तेल में तड़पा तड़पा कर मार डाला, जिनकी मजारें आज भी कसमंडी में बनी हुई हैं, जहां आसपास के 20 बीघे में कब्रिस्तान है, जहां इस युद्ध की गवाह है। पासी भमोर क्षेत्र है। दूसरे युद्ध में राजा कंस वीरगति को प्राप्त होते हैं। अंत में इस युद्ध की सारी जिम्मेदारी पासी राजा सुहेल देव पर आ जाती है। राजा सुहेल देव जी का युद्ध बहराइच में चित्तौड़ा झील के किनारे पर होता है, जहां पासी राजा सुहेल देव के हाथों सैयद सरार मसूद गाजी का अंत होता है। विदेशियों के आक्रमण को 150 के लिए निस्तानाबूद कर दिया। महान शक्तिशाली महाराजा प्रतापी राजा सुहेल देव पासी की जयंती बसंत पंचमी के दिन बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आप सभी को इसे वीर महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई, और आप सभी से लोगों से चर्चा करें उनकी बहादुरी के बारे में। पीएम नरेंद्र मोदी भी महाराजा सुहेल देव की जयंती पर 16 फरवरी को श्रावस्ती में आकर संबोधित करेंगे और उनकी बहादुरी की चर्चा विश्व में विख्यात करेंगे। ऐसे महान राजाओं की चर्चा करनी चाहिए, इतिहास दबा दिया गया है। ऐसे सूरवीरों को इतिहास दबा दिया गया। सैयद सरार गाजी की दरगाह बहराइच में बनी हुई है। लाखों श्रद्धालु हिंदू मुस्लिम उस पर चादर चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, जबकि महाराजा सुहेल देव की मंदिर पर कोई भी नहीं जाता है एक पुष्प की भी चढ़ाने। और वहीं पर देखिए बहराइच में जो हम लोगों पर आक्रमण करता था, हिंदुओं और मुस्लिमों पर आक्रमण करता था, हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का उसका बीड़ा था कि
उनको हिंदू को मुस्लिम बनाऊंगा और मंदिरों को तोड़ूंगा, स्वर्ण मंदिरों को लूटना उसका धर्म था। और वो इसी पर्पज से आया था भारत। बहराइच में आज भी वो सैयद सरार पीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। और ऐसे सूरवीरों को हमें दिन प्रतिदिन याद करना चाहिए, उनकी बहादुरी की चर्चा करनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी, महाराजा सुहेल देव की मूर्ति की अच्छी प्रकार से स्थापना करेंगे और उनकी बहादुरी की चर्चा पूरे विश्व में विख्यात करेंगे। जय राजा सुहेल देव पासी की जय, जय लाखन पासी की। ऐसे सूरवीरों को हमें प्रणाम करना चाहिए जो हमारे भारतवर्ष को आज़ाद कराने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। सत सन नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय महाराजा सुहेल देव की जय, जय लाखन पासी की जय। मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।